بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شہاب اسلام ہے۔ یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ ایکسل کی بیسک سیریز چل رہی ہے اور اس کے اندر ویڈیو آج کی 53 ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ رپورٹ شیٹ بنانا میں بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلا ایک کالم بنائیں گے یہاں نیم، سیکنڈ آ جائے گا رول نمبر۔ ریپ ٹیکس میں لکھنا ہے، پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا۔ اسپیس کے بعد آلٹر انٹر کریں گے، رول لکھا، اسپیس دیا، آلٹر انٹر، نیکسٹ سیل سیکنڈ لائن ہو جائے گی، اسی سیل کی سیکنڈ لائن۔ اس کے بعد تھرڈ کالم آ جائے گا ٹائپ، ٹوٹل لیکچر، ایبسنٹ، پریزنٹ، پرسنٹ، اسٹیٹس، اب یہاں ٹیکس 1, 2, 3 جتنے ٹیکس ہوں گے وہ اس کے بعد کے کالم میں آئیں گے۔ ٹیکس 1 لکھ کے ڈریگ کرا میں نے ٹیکس 3 تک، ایوریج، ایوریج کے بعد پریزنٹیشن، لاسٹ کالم آئے گا ریزلٹ۔ سب سے پہلے کالم کے اندر آئیں گے، نیم، جو بھی نام ہے وہ انٹر ہوں گے یہاں پہ، یہاں پہلے سے میں نے ایک لسٹ بنا کر اپنی سیو کی ہوئی ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو کہ کس طرح سے ہم اپنی خود کی لسٹ بنا کر ایکسل میں سیو کر سکتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں جہاں تک ہمیں ڈیٹا بنانا ہے۔ نیم انٹر کرنے کے بعد رول نمبر والے کالم میں آئیں گے، رول نمبر انٹر ہوں گے یہاں پہ، ٹائپ میں یہاں پہ سبجیکٹ جو بھی ہے انگلش لینگویج ہے، یہاں میں نے انگلش لینگویج کیا، اس کو میں نے اسی طرح نیچے لے کر آیا، کنٹرول ڈی، یہی نام سب میں چاہیے تھے تو سلیکٹ کرے سیل اور کنٹرول ڈی۔ ٹائپ میں یہ ٹائپ کرنے کے بعد ٹوٹل لیکچر، مثال کے طور پہ 150 ٹوٹل لیکچر، اس کو اسی طرح ڈریگ کرنا ہے، سلیکٹ کریں کنٹرول ڈی، وہی ہر سیل میں آ جائے گی ویلیو آپ کی ٹوٹل لیکچر۔ ایبسنٹ، اب اسٹوڈنٹ نے جو اٹینڈ کیے ہیں وہ ٹوٹل، اور اس میں جو ایبسنٹ ہوئے تھے وہ ایبسنٹ ہم یہاں مینشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیلکولیشن سب سے پہلی جو ہوگی وہ پریزنٹ کی ہوگی، یہاں سے پریزنٹ والے کالم میں آئیں گے، فرسٹ سیل کے اندر ایکول کا سائن لگائیں گے، سلیکٹ کریں گے ٹوٹل لیکچر مائنس سلیکٹ ایبسنٹ، انٹر، دوبارہ اسی سیل پر آئیں گے اور ڈریگ کر دیں گے۔ اس کے بعد پرسنٹیج ایکول پریزنٹ
सिलेक्ट डिवाइड टोटल मल्टीप्लाई 100 परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इंटर इंटर करेंगे, फिर दोबारा इसी सेल पर आएंगे और इसे भी ड्रैग कर देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद वैल्यू ज़्यादा आ रही है, अगर इसे कम करना चाह रहे हैं तो होम मेन्यू में जाके नंबर सेक्शन आ रहा है, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल क्लिक करेंगे तो ये परसेंट कम हो जाएंगे। इसके बाद स्टेटस, स्टेटस के लिए इफ फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल, ज़्यादा या बराबर है 75, या 75 कांस्टेंट नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू 70-80 चेंज करके भी यहाँ रख सकते हैं, जितने ज़्यादा परसेंटेज चेक करनी होगी जिससे जिस नंबर से ज़्यादा, यहाँ 75 से ज़्यादा मैंने कहा या बराबर है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब वैल्यू इफ टू, यानी अगर इस तरह है ज़्यादा या बराबर 75 तो टू में पहले मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस, आप आंसर देंगे यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ देखिएगा फॉल्स पे लिया आएगा, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स बताएं, फॉल्स बोल्ड हो गया बिल्कुल, जो भी ट्रू और फॉल्स रखना होता है आंसर हमें वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं जो टाइप कर रहे हैं, तो फॉल्स में हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और नौ कर दिया ऐसे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, इंटर करने के बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे माउस कर्सर लेके कॉर्नर पर इंटर और सॉरी ड्रैग कर देंगे इसे। अब यहाँ देखें बिल्कुल सही है, जो 75 से ज़्यादा है ग्रेटर है तो यस आ रहा है स्टेटस, और उसमें जो नहीं है उसमें नो आ गया। उसके बाद टैक्स वन टैक्स टू टैक्स थ्री, इधर सारे नंबर हमें टैक्स के जो होंगे वो इंटर करने, यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने वीडियो पॉज करके टैक्स वन टैक्स टू टैक्स थ्री में जो नंबर्स थे वो मैंने यहाँ टाइप कर लिए, आप प्रैक्टिस करते वक्त वीडियो स्टॉप करके ये टाइप कर लिएगा। इसके बाद अब फार्मूला लगाना है हमें एवरेज के लिए, एवरेज वाले कॉलम में आएंगे फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन टैक्स वन से लेके टैक्स थ्री तक जितने नंबर हैं फर्स्ट रॉ में वो पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर, इंटर करने के बाद दोबारा इसी सेल पर आए कॉर्नर पर माउस लेके ड्रैग, इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, अगर इसे कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैंने बताया होम नंबर और इधर है डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से इसको जितनी पॉइंट के बाद की वैल्यू रखना चाहते हैं क्लिक करके डिक्रीज से ख़त्म कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम प्रेजेंटेशन, इसकी कॉलम की विड्थ को बड़ा कर लेते हैं डबल क्लिक, यहाँ भी हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 25, हमने कहा ज़्यादा या बराबर है 25 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलाउ, ट्रू में हमने इफको कहा अलाउ करें, फिर कॉमा वैल्यू फॉल्स में जाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा जो वैल्यू फॉल्स में रखना होगा हमने कहा फॉल्स में नहीं हो, अगर इस तरह है तो नॉट अलाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, दोबारा इसी सेल पर आएंगे और जो फॉर्मूला लगाया था इस सेल से नीचे तक ड्रैग कर देंगे।
हमने इफ से कहा ग्रेटर देन इक्वल 25 है, तो फर्स्ट चीज आप ट्रू में अलाउ करें, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन फॉल्स में नॉट अलाउ। एंटर करने के बाद जैसे ड्रैग करा, जो 25 ग्रेटर या बराबर होंगे उसमें उसने अलाउ किया है, बाकी इसके अलावा जो थे वो नॉट अलाउ। इसके बाद आखिरी कॉलम रिजल्ट, रिजल्ट में आके इक्वल, यहाँ भी इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा इनवर्टेड कॉमा। तो ट्रू में हमने कहा पास देंगे, इनवर्टेड कॉमा में हमने पास टाइप किया, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स में हमने कहा आप फेल कर दें, फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। एंटर करने के बाद ड्रैग, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अब इसके ऊपर, सिलेक्ट ऑल शीट बॉर्डर टॉप हेडिंग देंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इधर मैं टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट शीट। बाहर क्लिक, दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, इस सेल के ऊपर आने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, राइटिंग अगर हेडिंग्स को कलर करना है तो इसे भी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर, हर कॉलम को अलग अलग कलर करना है, फॉर्मेटिंग करनी है तो इस तरह से सिलेक्ट करके जिस तरह से हम चाह रहे हैं वो फॉर्मेटिंग हम दे सकते हैं। और मज़ीद कलर अगर सिलेक्ट करना है इसके, तो यहाँ से आएंगे मोर कलर, मोर कलर में जाके आप यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट सेंटर मिडल ये वीडियो प्रैक्टिस करें इसकी, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।